गर्लफ्रेंड को उसके कॉलेज छोड़ने गए थे। एक में था माल कितना पुराना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ही हूँ। मेरे दिल में कुछ और है, सबसे पहले तो ये क्यों जानती है? और जिनसे ताल्लुक बचा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राह का वो हम सफर जो आपको हंसी की मंजिल तक ले जाएगा और पड़ाव में कई ठाके आएंगे और कई मुस्कुराहट आएंगी, कई तबस्सुम आएंगे और आप कहेंगे वाह भाई वाह। जिंदगी में कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती हैं उनके लिए वाह वाह कहना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जैसे लड़के, हमारा एक दोस्त शादी के पहले रोज अपना स्टेटस डालता था, शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता। वो होता नहीं होता है भाई, शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता। शादी हो गई, मैंने एक दिन वीडियो कॉल किया तो भाभी जी बोली नहीं वीडियो पे नहीं आ सकते हैं ना। मैंने कहा शेरों का तो कोई ठिकाना नहीं होता, क्या कर रहे हैं शेर? मटर छील रहे हैं। होता है जिंदगी में, हो जाता है ऐसा, जैसे मोहब्बत होती है तो हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है। एक लड़का क्लास में लेट आया तो टीचर ने पूछा कहाँ कहाँ थे इतनी देर? साहब सच बोल रहे कि ऐसे ही फेंक दें? सच बोलो। अपनी गर्लफ्रेंड को उसके कॉलेज छोड़ने गए थे। अब टीचर बोले शर्म नहीं आती सब काम करते भाई, ये सब कुछ नहीं चलेगा, दी खींच के अरे बदतमीज कल से सब कुछ नहीं, टाइम पे आना। ठीक है अपनी बेटी को खुद ही छोड़ देना फिर। क्या करे कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां किसी को कुछ कहो तो अगला तैयार बैठा है सामने। जैसे एक युवा भिखारी, क्लास होती है, युवा होता है, फिर अधेड़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है, भिखारियों की भी क्लास होती है। तो एक युवा भिखारी एक खूबसूरत लड़की से कहा जरा 10 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए, 10 रुपए दे दीजिए ना, 10 रुपए भला होगा आपका, 10 रुपए दे दीजिए। बोले तुम इतने यंग हो, इतने अच्छे दिखते हो, इतने हैंडसम हो और फिर भी भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो एक झप्पी ही दे दीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्यों ना कहा जाए वाह भाई वाह। और साथ 4 ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए वाह भाई वाह कहना बड़ा आवश्यक है और उनमें से 2 जो हैं वो पहली बार टेलीविजन पे आ रही है वाह भाई वाह के मंच पे, हम इन्हें खोज के लेके आए और दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली हैं। उनमें से एक है विभा शुक्ला जो हमारे बीच बनारस से आती हैं और दूसरी है डॉक्टर प्रार्थना पंडित जो भोपाल से हमारे बीच में आती है। और सर्वेश अस्थाना को मैं बता दूं कि तुम थोड़ा संयत रहना क्योंकि ये दांतों की डॉक्टर है। तो पंडित जी प्रार्थना कीजिए कि दांत टूटे ना। ये डॉक्टर सर्वेश अस्थाना है जो पत्रकार भी है, कवि भी है और बड़े कमाल के इंसान है, हमारे बीच में आते हैं लखनऊ से डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। और इधर इटारसी जंक्शन एक बड़ा प्रसिद्ध जंक्शन है रेलवे का और वहां से होते हैं उदय दैया टेलीविजन पे बहुत सारे लाफ्टर शोज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करा चुके हैं। लेकिन इनकी एक प्रतिभा जो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, इस प्रतिभा का आज हम आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे। ये उदय दैया। तो ये 4 हमारे बीच में, तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुलाता हूं मैं सर्वेश अस्थाना को जोरदार तालियों के साथ। आप लोग जो इतना हंस रहे हो ना, अगर शादी हुई होती तो पता चलता। हाँ मेरी हुई है। अब कैसे हुई यही बस मैं बताना चाहता हूँ। मेरी शादी हो नहीं पा रही थी, बिल्कुल भगवान कसम नहीं हो पा रही थी। कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था। एक आया
मैं क्लीन शेव रहता था, ये दाढ़ी नहीं थी। एक आया, हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मैं बड़ा क्यूट टाइप का हैंडसम हूँ, उसने कहा ये तो बच्चा है। मुझे बहुत गुस्सा है, तो मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा ससुर आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक बार ऐसे आ गया प्रपोजल, फिर हो गई मेरी शादी। अब क्या हुआ, न गुंडा रहा न बच्चा रहा, अब लोगों ने कहा तो गुच्छा है। इसी गुच्छे से ही तो शुरू हो रही है बात। हम बैठे हुए थे, मुंह लटकाए हुए, मेरी शादी हो नहीं पा रही थी। मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। जहाँ माँ बाप बांधते वहीं बंधना पड़ता। एक दिन शैलेश भाई ने मेरे पिताजी से कहा, चाचा जी ऐसा करो, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 28-82 हो गया। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब जो है मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, भगवान कसम पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मनी मन पिताजी से पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? वहीं से कविता शुरू हुई। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, यानी मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। अच्छा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था, माल कितना पुराना है। मुझे खुद ये टेंडर पढ़ के हंसी आ रही थी। एक में था, माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहां है जैसा वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथा जानना चाह रहा था, क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। भूल सुधार छपता ना, अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। आप लोग भी किराए पे उठोगे एक दिन, देख लेना। ये वो है जो किराए पे उठाते हैं। बस ये नहीं पता सिक्योरिटी कितनी जमा करवाते हैं। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? वो बोला, एक गरीब लड़की का मजबूर बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा बेटा किराए के लिए खाली है, हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा,
लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेच कर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊँ। मुझे हताश मत कीजिएगा, कविता खत्म होना चाहती है, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा और भले साल दो साल के लिए ही सही पर एक बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। वाह 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 वा। तो भाइयों बहनों ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है सर्वेश अस्थाना भाई, कमाल है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। स्माइल मैन, ये अपने आप को स्माइल मैन कहते भी हैं और इस नाम से ये अपने इलाके में बड़े प्रसिद्ध भी हैं। स्माइल मैन इसलिए नहीं है कि मुस्कुराते रहते हैं, स्माइल मैन इसलिए है कि इनको देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि अब सर्वेश आए तो कुछ ऐसी बात करेंगे कि हम सारे लोग मुस्कुराएंगे। क्या बात है सर्वेश, तुमने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। और जब तुम कविता पढ़ रहे थे अचानक मुझे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत याद आ गया, हमारे पूर्वज बंदर थे। हालांकि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अचानक कोई भी चीज याद आ सकती है। और अचानक पता चला कि भाई उदय दहिया सिर्फ हास्य कलाकार नहीं है, बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो आज हम मिलते हैं कवि उदय दहिया से, जोरदार तालियों के साथ कवि। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसे ही पहली बार टेलीविजन पे कार्यक्रम में आया तो मुझे पूरी दुनिया ने देखा और साथ साथ देख लिया अफ्रीका वालों ने। वो देखते ही बोले यार ये तो अपने जैसा दिखता है, ये गलती से हिंदुस्तान पहुंच गया। उन्होंने वहां एक कार्यक्रम रख लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो आयोजक मुझे देख के बोला यार एक चीज बताओ, आपकी आंखें देख के लग रहा आप चीनी हो, बाल देख के लग रहा नेपाली हो, कलर से अफ्रीका वाले लग रहे हो और भाषा से हिंदुस्तानी लग रहे हो, आखिर आप हो क्या? अपन हिंदुस्तान के आदमी किसी की बात कभी खाली नहीं जाने देते। मैंने कहा आपको अभी भी समझ में नहीं आया, संयुक्त राष्ट्र संघ मैं ही हूं। बहुत अच्छे उदय भाई, हमारे यहाँ तो लोगों से आप बात करो क्या कमाल का जवाब देते हैं। अभी ये भाई साहब सामने बैठे हैं, मैं बाहर निकला बहुत सारे पेड़ लगे, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, ये मुझसे पूछने लगे उदय भैया ये कौन सा पक्षी है। मैंने उसको ध्यान से देखा, अरे मैंने कहा ये तो किंग फिशर है, तो ये पूछता है कि ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बात माइल्ड स्ट्रॉन्ग की आई है तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसी अनोखी चीज है कि इसके वश में कोई भी आ जाता है। मैंने देखा एक बार एक मछली मार रहा था बैठ के, दोपहर हो गई, उसने देखा उसका चारा खत्म हो गया, बोला यार अभी तो आधा दिन बाकी है करूंगा क्या। तो उसने देखा वहीं बाजू में एक सांप एक मेंढक को दबाए बैठा है, उसने उसको पकड़ा, उसका मेंढक छीना, उसके पीसेस किए, कांटे में फंसाया और मस्त मछली मारने लगा। फिर उसको ध्यान आया कि यार मैंने तो इसका खाना छीन लिया, तो उसने अपनी बोतल निकाली, उसको खोला, उसमें से एक ढक्कन भरा और उस सांप के मुंह में डाल दिया कि भाई मैंने तेरा खाना लिया, तू एक पैक पी और मस्त रहे। अब ये अपनी मछली मार रहा था, एक 10 मिनट बाद इसको एहसास हुआ कि इसके पैर में कुछ टच हो रहा है, तो इसने देखा ये क्या है, उसने नीचे देखा, इस बार वो सांप 2 मेंढक दबा के लाया था। और बोल रहा था भाई तूने क्या पिलाया, मजा आ गया, 2 मेंढक और ले, 2 पैग और पिला। ये तो भैया क्या बात है, ये इसका शौक तो सभी को है, ये मेंढक क्या कोई कुछ भी लिया है, चाहे सर्पेश हो या सर्वेश हो। चाहिए सभी को भाई, मैंने कहा इसका असर सब पे होता है, सब इसके वश में आ जाते हैं। तो इस तरह की बातें तो मैं पहले भी करता आया हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक अपना नया रूप दिखाता हूँ। दिखाओ उदय। मेरे सारे दाग तू जाने, तेरे सारे दाग मैं जानू, कुछ भी नहीं छुपा हम तुम में, अपना तो है एक हरम, ना तुम्हें शर्म ना तुम्हें शर्म ना तुम्हें कि कभी छीनते दाल इनकी, कभी छीनते प्याज इनकी, और अपने ही खोटे कर्मों से हमने फोड़ा इनका कर्म, ना तुम्हें शर्म ना हमें शर्म।
टूटने वाले तुम्हारे सर्वेश, जो तुम्हारी उम्र है, और डेंटल सर्जन पास में बैठी है, दांत टूटने वाले तुम्हारे, मसूड़े हो रहे हैं नरम, फिर भी ऐसे कर्म कुछ तो करो शर्म। क्या बात है सर्वेश हृदय। इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ आज मेहमान लोग आए वाह भाई वाह को सुनने के लिए, और दोनों ही राजस्थान से आए, ये बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गिरिराज पाराशर है। डॉक्टर गिरिराज पाराशर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से आया हूँ। जोधपुर से आए हैं, तो गिरिराज आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं बेसिकली ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ऑस्टियोपैथ क्या होता है ये? ऑस्टियोपैथ एक तरह से बोला जाए तो भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें बोन एंड मसल्स का मैनिपुलेशन किया जाता है। अच्छा, बोन एंड मसल्स। हाँ जी। अच्छा, तो आप उसके पारंगत हैं। हाँ जी। क्या बात है, आप एक डॉक्टर आज कविता पढ़ रहे हैं, दूसरे डॉक्टर कविता सुन रहे हैं, आज क्या बात है? मतलब आप कविता सुनने के लिए जोधपुर से यहाँ तक आए, क्या सुन के आपको? नहीं, बहुत ही अच्छा मंच है, और कविता का शौक है मुझे भी सुनने का, इसीलिए मैं जोधपुर से यहाँ पे आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप यहाँ हमें सुनने के लिए एक और शख्स यहाँ पे विराजमान है, जिनको खुद सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जो एक बड़े सुरीले गायक हैं, और बहुत बरसों पहले टेलीविजन के जब ये सिंगिंग शोज शुरू हुए थे टैलेंट हंट के, उसमें उन्होंने क्या खूबसूरत गाया, मुझे अभी भी याद है, मोहम्मद रफ़ी साहब का एक नगमा उन्होंने गाया था, और सारे देश में मोहम्मद वकील साहब का नाम हो गया। मोहम्मद वकील, जिन्होंने वीर ज़ारा फिल्म में एक कवाली भी है, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के साथ गए, आया है तेरे दर पे दीवाना आकर, जरा मुझे जहाँ तक याद है, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के साथ आपने इसमें शायद शिरकत की थी। जी जी सर। तो वकील मियां, आज ये कविता की महफिल में सर, वाह भाई वाह, प्रोग्राम इतना मकबूल इतना मशहूर है कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी उनसे कुछ देखता नहीं होगा, मेरे पूरे परिवार इस प्रोग्राम को देखता है। शुक्रिया बहुत और, बहुत शुक्रिया। और शैलेश जोड़ा साहब जो शख्सियत हैं, वो यकीन मानिए आपको इतने सारे फनों से ऊपर वाले ने नवाजा है। आपके लिए चार मिसरे मुझे याद आते हैं, और आप हमारे करम फरमा भी, आपकी इतनी इनायत है हम पर कि नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर एक दिल में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना अलग है बात, मगर बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों के लिए वकील मियां, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। डॉक्टर गिरिराज पाराशर, आप यहाँ आए, इसी तरह हमें सुनते रहें, और आप इसी तरह से मोहब्बत देते रहें। मुझे नहीं मालूम कि बुलंदियाँ मेरे हिस्से में हैं या नहीं है, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस यूं ही काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें, परिश्रम करते रहें, और बुलंदी तक पहुंचना न पहुंचना तो खुदा के हाथ में होता है। तब एक शेर याद आता है, एक मकबूल शायर है, वो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, आदमी के पांव ज़मीन पर रहने चाहिए, और वही मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे पांव ज़मीन पर रहें, कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए लोगों के साथ चलिए, आगे बढ़िए, हम लौट के आएंगे और आगे कहेंगे वाह भाई वाह। लौट आया हूं मैं आपका दोस्त शैलेश, लौट के आया हूं, यहीं तो था मैं, मतलब जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, वो आप से दूर नहीं जाते, यहीं खड़े रहते हैं, लेकिन मैं आ गया हूं। वाह भाई वाह की आप प्रसिद्धि देखिए, मकबूलियत देखिए, क्या आज हमारे साथ हमारे दो युवा मेहमान हैं, और दोनों युवा मेहमान वाह भाई वाह सुनने और देखने के लिए आए, जिन्हें सुनने और देखने के लिए लोग बड़े बेताब रहते हैं। मोहम्मद वकील, जिसको सुनने के लिए लोग बड़े बेताब रहते हैं, मोहम्मद वकील बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, और उनको सुन के मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कई बार नशिश्त में जो है मोहम्मद वकील, और इनके जो उस्ताद हैं उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उन तक मेरा सलाम पहुँचे, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी जवानी में जितनी बार दिल टूटा था वही काम आए थे। तो अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के ये शागिर्द हैं, और उनके भांजे भी हैं, और उनके दामाद भी हैं, मोहम्मद वकील हमारे बीच में है, और दूसरे डॉक्टर गिरिराज पाराशर। गिरिराज पाराशर एक बहुत प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ है, उनके पिता डॉक्टर गोवर्धन पाराशर एक
इस कदर अपनी कला में पारंगत है कि मैं जानता हूँ कि जब लोगों को ये पता चलता है कि मैं उस शहर से हूँ जिस शहर से ये है, तो कई लोग मुझसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि उनसे एक बार मिलवा दीजिए, हमें ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। तो ये बड़े लोगों का इलाज कर रहे हैं, 500, 700, 800 मरीज रोज के आप लोग देखते हैं। आप भी समाज का भला कर रहे हैं, आप भी संगीत के साथ समाज का भला कर रहे हैं, और हम तो समाज का भला कर ही रहे हैं कि ये कविताएं लोगों तक पहुंचे। और इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूं बनारस की विवाह शुक्ला को। आप इस तरह से हमको सताया न कीजिए, आपत्ति दो ही चीजों पे है। एक तो अगली बार जब ये शेर पढ़ो जो भी, मैं जानती हूं कि जो भी था, इन्हें गाइए जरा, माइक दीजिए इनको। मैं जानती हूं आपके दिल में कुछ और है, मैं जानती हूँ आपके दिल में कुछ और है। मेरा क्या लेना देना है भाई? मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा मेरे दिल में कुछ और है, सबसे पहले तो ये क्यों जानती है, और दूसरी बात ये कैसे जानती है, और तीसरी बात अगर
जान गई तो क्या होगा? तो मेरी बड़ी आपत्ति है इस चीज पे। विभा जी, अगली बार मतलब आप जहां भी पढ़ रही हो, जिधर भी पढ़ रही हो, आप इशारा इधर कर लीजिए ना, इधर कोई नहीं होता है, ये इधर उधर करने की क्या जरूरत है? और दूसरी आपत्ति मेरी ये नायिका पे है जो ये गजल कह रही है, मतलब आप नहीं, आपकी गजल की नायिका जो कह रही है कि इस तरह से मुझे सताया न कीजिए, करके इशारा मुझे बुलाया न कीजिए, मतलब बगैर इशारे आने को तैयार हूं मैं। उसकी प्रॉब्लम यह है कि करके इशारा मुझे ना बुलाया कीजिए, ये प्रॉब्लम नहीं है कि बुला रहा है, प्रॉब्लम यह है कि करके इशारा ना बुलाया कीजिए। तो बिना किसी इशारे के बुला रहे प्रार्थना पंडित को, जोरदार तालियों के साथ आइए प्रार्थना। यहां सभी जितने क्राउड बैठा है, सभी यंगस्टर्स का क्राउड है, तो उन्हीं के लिए गजल कहती हूँ। जो घर पे बुड्ढे बैठे उनके लिए कुछ नहीं, वो इससे सीख लें सर की जवानी में। इससे भी तो यार ये कोई बात नहीं, यहाँ बैठे सारा देश आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो सर जितने यंगस्टर्स हैं उनको डेडिकेट नहीं, उनको डेडिकेट कर दो भले ही, लेकिन ये जो है जिनका जिनकी जवानी जाती नहीं है। सर जो यंगस्टर्स हैं और जो अपने आप को यंग समझते हैं उन सभी के लिए। नहीं है, आदमी की उम्र से कभी आदमी बुजुर्ग नहीं होता, यंग एट हार्ट। तो ये सबके लिए ये कहो। बिल्कुल बिल्कुल, गजल सुनाती हूँ कि दिल लगाने का जब हौसला कीजिए, दिल लगाने का जब हौसला कीजिए, थोड़ा मजबूत ये फैसला कीजिए, मिलते हैं रस्म है इसलिए मिल लिया जाए, रस्म मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मिल लेते हैं बस वैसे जी ही। कि ना मुलाकात का दिल हो तो फिर हुजूर, ना मुलाकात का दिल हो तो फिर हुजूर, हमसे रस्मन यूं ही ना मिला कीजिए। जिनसे ताल्लुक बचा है बस एक फोन का, जिनसे ताल्लुक बचा है बस एक फोन का, उनसे क्या जिंदगी का गिला कीजिए, दिल लगाने का जब हौसला कीजिए, थोड़ा उनसे क्या जिंदगी का गिला कीजिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा लगाने का जब हौसला कीजिए, उनसे जुड़ने लगे मशवरा ये हुआ, उनसे जुड़ने लगे मशवरा ये हुआ, जुड़ने लगे मशवरा ये हुआ, अपने दिल को कहीं मुब्तला कीजिए, अपने दिल को कहीं मुब्तला कीजिए, दिल लगाने जब हौसला कीजिए, थोड़ा मजबूत ये फैसला कीजिए, जब मुलाकात का दिल न हो तो हमसे रस्मन यू ही ना मिला कीजिए, दिल लगवा। प्रार्थना पंडित तुमने कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत शेर पढ़े तुमने, तुम्हारे शेर बहुत एक याद रहेगा मुझे सदैव, जिनसे सिर्फ फोन का हो रिश्ता, मिश्रा मुझे ठीक ठाक। हाँ
हाँ, जिनसे ताल्लुक बचा है बस एक फोन का, उनसे ना जिंदगी का गिला कीजिए। सही बात है, रिश्ते मजबूत होने चाहिए, लेकिन आजकल रिश्ते जो है वो सिर्फ इसके रह गए हैं और किसी के नहीं रह गए। तब जाते जाते मुझे अंजुम रहबर, जो मेरी बड़ी प्रिय शायरा है, मेरी बड़ी बहन है, उनका एक शेर याद आता है। वो कहती कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, शजर वृक्ष को कहते हैं, रिश्ते क्या रह गए हैं बस, कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। वाह भाई वाह।